हेलो दोस्तों, ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है। इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री इंटू में रूट में एक्स वाई, देन एक्स अपॉन में वाई प्लस वन इसका होल क्यूब प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस वन इसका होल क्यूब इज इक्वल टू वन, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, हमारे पास गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री इंटू में रूट में एक्स वाई। इस इक्वेशन को हम दोनों साइड रूट में एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं, इस साइड भी अपॉन में रूट में एक्स वाई। हमारे पास हो जाएगा रूट में एक्स अपॉन में वाई प्लस रूट में वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू, ये से कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा थ्री। इस इक्वेशन का हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस टू इंटू में रूट में एक्स अपॉन में वाई इंटू में वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू नाइन। वाई से वाई कैंसिल हो जाएगी एक्स एक्स, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा सेवन। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखते हैं, इसे हम ई के इक्वल मान लेते हैं। ई इज इक्वल टू एक्स अपॉन में वाई प्लस वन इसका होल क्यूब प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस वन इसका होल क्यूब। हम देखिए ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में वाई क्यूब प्लस वन प्लस थ्री इंटू में एक्स अपॉन में वाई इंटू में वन इंटू में एक्स अपॉन में वाई प्लस वन प्लस, यहाँ पे भी ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो वाई क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब प्लस वन प्लस थ्री इंटू में वाई अपॉन में एक्स इंटू में वाई अपॉन में एक्स प्लस वन। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में वाई क्यूब प्लस वन प्लस, हम देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा थ्री इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस थ्री इंटू में एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब प्लस वन प्लस, यहाँ पे भी इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा थ्री इंटू में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू में वाई अपॉन में एक्स। हम देखिए इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब। हम देखिए इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लेंगे, यहाँ से थ्री कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लेंगे और यहाँ से थ्री कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस, यहाँ देखिए वन और वन ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा टू। यहाँ देखिए एक्स क्यूब अपॉन में वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब की जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई अपॉन में एक्स इसका होल क्यूब माइनस थ्री इंटू में एक्स अपॉन में वाई इंटू में वाई अपॉन में एक्स इंटू में एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस थ्री इंटू में, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई अपॉन में एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस टू इंटू में एक्स अपॉन में वाई इंटू में वाई अपॉन में एक्स प्लस थ्री इंटू में एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस टू, ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ देखिए x अपॉन में y प्लस वाई अपॉन में x की वैल्यू आ गई सेवन, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा सेवन का क्यूब माइनस, यहाँ देखिए y से y कैंसिल हो जाएगी x x, ये हमारे पास हो जाएगा थ्री इंटू में इसकी जगह पे पुट कर देंगे सेवन इंटू में सेवन प्लस थ्री इंटू में, यहाँ पे भी देखिए x अपॉन में y प्लस वाई अपॉन में x की जगह पे आ जाएगा सेवन का स्क्वायर माइनस, हो जाएगा सेवन का स्क्वायर माइनस टू प्लस थ्री इंटू में, यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा सेवन प्लस टू। हम देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 343 माइनस 21 प्लस 3 इंटू में 49 माइनस 2 प्लस 21 प्लस 2, इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 486, ये हमारा आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।